वाड़ी शहर में प्रशासन बैठे लगभग सवा साल हो चुके हैं और मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारे वाली की लापरवाही के कारण वाड़ी शहर बदहाल है। इस दौरान डेंगू का प्रकोप तेज होता दिख रहा है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई प्रभावी सफाई कार्य नहीं किया गया है। नगर परिषद ने अंबेडकर नगर के चंद्रमणि चौक पर अस्थायी डंपिंग यार्ड शुरू किया था। नगर परिषद को इसे हटाने के संबंध में कई बार निवेदन और पत्र के बावजूद डंपिंग यार्ड को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया है या कोई अन्य स्थान नहीं मिला है और नागरिकों की जान को खतरा है। इस संबंध में अभी तक मुख्याधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वाड़ी शहर में बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए उद्यान बनाए गए थे, लेकिन कई सुविधाओं की कमी और बगीचे में पानी की आपूर्ति की कमी के कारण बगीचों में पेड़ सूख गए हैं। अब बरसात के मौसम में बगीचे में घास और अन्य खरपतवार बड़ी संख्या में उगाए हैं। जगह जगह पानी जमा है, साफ सफाई नहीं है, इसलिए बगीचे में मच्छर पनप रहे हैं और नागरिक तेज बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। खासकर डेंगू के मरीज पड़ रहे हैं। साथ ही वाड़ी नगर परिषद के माध्यम से वही शहर में विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। इसके तहत वाड़ी शहर की मुख्य सड़क खड़गांव रोड से वसंत विहार तक का निर्माण घटिया गुणवत्ता का है। स्पष्ट है कि यह निर्माण कार्य प्रारंभिक अनुमान के अनुसार नहीं किया जा रहा है। इस निर्माण में सीमेंट और रेत का कम इस्तेमाल होता है, इसलिए इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि इस सड़क 5 महीने तक टिकेगा या नहीं। इससे स्पष्ट है कि मुख्य अधिकारी और ठेकेदार के बीच मिलीभगत है। शहर में कई पात्र लाभार्थियों ने रमई योजना का फॉर्म भरा है, लेकिन मुख्याधिकारी की लापरवाही के कारण कोई भी इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर नगर और टेकड़ीवाड़ी नपिल शासन घाट रोड पर शेड का टीम पूरी तरह से सड़ चुका है, इसलिए बारिश के मौसम में लाश को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसलिए उस शेड पर टूटे गए टीम को तुरंत बदल दिया जाए और एक नया टीम लगाया जाए। वाड़ी शहर में अंबेडकर नगर, गौतम नगर, इंदिरा नगर, टेकड़ीवाड़ी पक्षी लेआउट में रहने वाले नागरिकों को स्थायी स्वामित्व दिया जाना चाहिए। अंबेडकर नगर में कूड़ा उठाने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई है, वह कचरा ले जा रही है, लेकिन नाले से निकलने वाला कचरा 10 से 15 दिनों तक नाले के किनारे रहता है, लेकिन वहां से नहीं हटाया जाता, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य फिर से खतरे में पड़ जाता है। इन तमाम दिक्कतों और हंगामे के बावजूद मुख्याधिकारी किसी की सुनने के मूड में नहीं है। मुख्याधिकारी हमेशा हिटलर जैसा व्यवहार करते रहते हैं। इन मुद्दों पर बहुजन समाजवादी पार्टी वाड़ी शहर ने हिटलर मुख्याधिकारी को भगाने की मांग की है कि इस तरह की मनमानी करने वाले अधिकारी को तत्काल बदला जाए, क्योंकि इससे नागरिकों की जान को खतरा है। 7 दिन में मुख्याधिकारी की बदली नहीं की तो बसपा द्वारा नगर परिषद में तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा पत्र परिषद में दिया गया। इस पत्र परिषद में पूर्व पार्षद नरेंद्र मेंडे, बसपा वाड़ी अध्यक्ष गौतम मेश्राम, मनोज भांगे, युवराज भांगे, सुधाकर सोनपिपड़े, वीरेंद्र कावसे, साहिल खोबरागड़े, गौतम तिरपुड़े, कैलाश कनवीर, सुभाष सुखदेवे, राजेंद्र पाटिल मौजूद थे। या ठिकाणी जे दोन मोठे मशान घाट आहे त्या मशान घाटाचे तर पूर्ण सडलेले आहे आणि कधीकधी शेड सडलेले आहे आणि कधीकधी टेकडीवाडीसारख्या घाटावर 10-10 लाश येतात। त्या ठिकाणी लाश ठेवण्यासाठी अग्नि देण्यासाठी जागा राहत नाही आणि पावसाळ्याची वेळ असल्यामुळे त्या मैतीवर पावसाचं पाणी पडते, कारण काळ्या ओल्या राहतात आणि ती जळत नाही, म्हणून तीसुद्धा लवकरात लवकर हे करायला पाहिजे। वाडी शहरामध्ये आंबेडनगर वाडी, गौतम नगर, टेकडीवाडी, शाहूलेव अशा अनेक वर्षापासून या शासकीय जमिनीवर झोपडपट्ट्या बसल्या। या परिसराला मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले पाहिजे, म्हणून गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून बहुजन समाज पक्षाच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले आहे। अनेकदा कलेक्टरनीसुद्धा यांना पत्र दिलं, मुख्याधिकाऱ्याला, जुम्मा प्यारेवाला, पण त्यांनी कुठलंही त्याचं उत्तर दिलं नाही। सोबतच विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये सुद्धा आम्ही याबाबतीत निवेदन दिलं, याबाबतीत त्यांनी केलं काही नाही। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी वाडी शहराचा अध्यक्ष ह्या नात्याने माननीय जुम्मे मुख्याधिकारी जुम्मे प्यारेवाले यांना हटाव आणि नगर परिषद वाडी बचाव ह्या अशा विशिष्ट मागण्या घेऊन आज आम्ही पत्रकार परिषदेमध्ये आलो आहोत। प्रमुख मुद्दे वाडी नगर परिषद मुख्याधिकारी जुम्मे प्यारेवाले यांच्या निष्काळजीपणामुळे वाडी शहरातील नाल्या, गार्डन, रस्ते यांच्या स्वच्छतेअभावी मोठ्या प्रमाणात खाण निर्मिती होऊन डासांची निर्मिती झाली आहे। डेंग्यू सारख्या रोगाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होऊन जीवहानी झाल्यानंतरही तरी पण ह्या संदर्भात कुठल्याही प्रकारचा
नगर परिषदेने त्याची वाट दखल घेतली नाही म्हणून अशा निष्काळजी मुख्याधिकारी यांना हटवून इथं वाडी नगर परिषदला नव्याने दुसऱ्या मुख्याधिकारी आला। जेवी आज त्या वाडी नगर परिषदचे मुख्याधिकारी जुम्मा करेवाल जी आज यांच्या निष्क्रियतेमुळे बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने आम्ही जी पत्र परिषद इथे आयोजित केलेली आहे, मुख्य कारण म्हणजे ज्या काही आम्ही 8 समस्या गावातल्या गावातल्या कोणते वाडी असो, इंदिरा नगर असो, गौतम नगर असो, चाहे आंबेडकर नगर असो, अशा या 8 समस्येच्या मागणीला धरून आम्ही हे जुम्मा करेवाल्याच्या निष्क्रियतेमुळे मग तो वाडी घाटाचा टेकडीवाडीतल्या घाटाचा प्रश्न असो किंवा डम्पिंग यार्डचा प्रश्न असो किंवा म्हणजे नालीचं साफसफाई करण याच्यावर नगर परिषदचं दुर्लक्ष असो अशा विविध मागण्यासाठी त्या आणि या निष्क्रिय मुख्याधिकारी प्यारेलालजी यांच्या निष्क्रियतेमुळे आम्ही ह्या बहुजन समाज पार्टीने हे मागण्या करून त्या पत्रकार परिषद घेतलेली आहे आणि याची जर त्यांनी अंमलबजावणी केली नाही तर निश्चितपणे बहुजन समाज पार्टी ही आंदोलन रस्त्यावर येऊन आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही। BCN News के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।